अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुरकुरे चिकन की रेसिपी, जो बहुत ही यम्मी बनती है और इसे आप स्टार्टर या फिर शाम के स्नैक्स के लिए बना सकते हैं। तो चलिए इस कुरकुरे से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहां मैंने चिकन लिया है जो विथ बोन है, अगर आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। यहाँ 300 ग्राम चिकन लिया है मैंने, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आधा छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा जीरा का पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी डाला मैंने। और यहाँ पे एक छोटा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और एक अंडा ले लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्ब लिया है जो 1/3 कप के तकरीबन है, और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो चुका है, इसे रख लेते हैं साइड में। और अब यहाँ मैंने लिया है टेढ़े मेढ़े कुरकुरे, इसे ऐसे बेलन से एकदम चूर कर लेना है पाउडर बनाकर, और इसको ऐसे मिला लेंगे इसमें डाल करके चिकन में, और अच्छे से इसमें कोट कर लेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। और चलिए यहाँ तेल हमारा गर्म हो चुका है और यहाँ इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे, और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि ये क्रंची ना हो जाए। इसे बीच बीच में चलाते रहना है और चारों तरफ से इसे अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये क्रंची हो जाए। और ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आया है और ये बिल्कुल क्रंची हो गया है। बहुत ही अच्छी कुरकुरे चिकन रेडी हो गई हमारी। इसे टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और ये हमारी चिकन स्टार्टर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये ऊपर से चाट मसाला डाल दें और इसे मिक्स कर दें। इसे गर्मा गर्म सर्व करें अपनी पसंद की चटनी के साथ और इसे एंजॉय करें। और ये देखिए कितनी क्रंची बनी है, ये देखिए बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी होती है फ्रेंड्स। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर दें। चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।